नहीं, जो जीवन रेड्डी नाम का ही एक बंदे ने जो है ना सोशल मीडिया पे उसके ताल्लुक से काफ़ी सारे बातें की हैं, तो ये क्या नाम ही एक कंपनी है आपकी जो प्राइड इंडिया, जो मतलब सारे इंडिया में मतलब नेशनल लेवल पे आपकी जो है ना मशहूर कंपनी है, तो कोई ना कोई एक एलिगेशन लेके आपके पास आता है कि ज़मीन फलानी जो है ना हमारी है, बाद लोग बोलते हैं कि जो है ना कोई इंडोमेंट की ज़मीन लेके लोग जो है ना प्लॉटिंग करके बेचे, कोई डुप्लेक्स मकान तो भरा लिख करके बेचे, तो इसमें सारे एलिगेशन आपके ऊपर ही लग रहे हैं, तो ये क्या वजह है सर? ये भाई हम क्या है, ये ब्लैकमेलर्स को इंटरटेन नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है। स्टार्टिंग से जितने भी ब्लैकमेलर्स जो भी आके भाई एक बार खटका मार के देख लेंगे, कुछ पैसे तोड़ सकते बोल के जो भी अपने प्लान बना के आ रहे ना, हम उनको कभी भी इंटरटेन नहीं करते डे वन से। भाई हमारे पास ये पेपर है, फेक डॉक्यूमेंट्स पे ये पेपर है, हमको पैसे दो नहीं तो हम आपका वीडियो बना के डालेंगे, आपको डिफेम करेंगे, ऐसे कई हर चार चार दिन को नए नए लोग उठ के आते रहते, मगर हम किसी को इंटरटेन नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हम हक पे है, अगर हम सही टाइटल लेके काम कर रहे हैं, तो ये ब्लैकमेलरों से डरने की ज़रूरत नहीं है हमारे। एट दी एंड क्या है भाई, आप अगर किसी की गलत किसी के नाजायज़ कब्जा करके अगर काम कर रहे हैं, तो फाइनली कोर्ट से मालूम ही हो जाता ना, कोर्ट तो ऑर्डर देंगी ना, जो सही ओनर है उसको ऑर्डर देके हमारे को हटा देंगी ना। इससे पहले भी एलिगेशंस लगे, कौन सा हर कोई वेंचर जो है ना आज पूरा आबाद होके है। अब जैसा कि ये जो जगजीवन रेड्डी, आज तक मैं उसकी सूरत भी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम वो वीडियो में देखा मैं। बीच में आया था रंगारेड्डी में रजिस्ट्रेशन करके, हमारा क्लेम है वो, तो हम बोले कि ये हैदराबाद ज्यूरिडिक्शन में आता, हैदराबाद में है लैंड, रंगारेड्डी में नहीं है। फिर कोर्ट में केस चला, उसके बाद में फाइनली हम हमारे फेवर में जजमेंट आया। ये टोटल कितने एकड़ है? नहीं नहीं आप देखिए, जगजीवन रेड्डी ठीक है, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर नॉट टू इंटरफियर, हमारी लैंड में इन्हें आ नहीं सकता बोल के फाइनल कोर्ट से ऑर्डर आया। कब आया ये? 21 सितंबर 2021, हाल में। उसके बाद में फ्रस्ट्रेटेड होके अब कोर्ट से तो कुछ नहीं कर सका, वीडियो बना के मैं डिफेम करता हूँ बोल के जो है ना ये चल रहा था मुझे। सर ये वेंचर स्टार्ट हो गया कितना टाइम हो रहा सर? ये 4 साल हो गया। अब जैसा कि उन्हें बोला लॉकडाउन में रोड्स डाले, ठीक है, जुलाई 22 जुलाई 2019 में रजिस्ट्रेशन हो गए तो है कस्टमर्स के, और लॉकडाउन था 2020 मार्च में, तो फिर जब कैसा हम लेते। उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमीन के, टोटल ये कितने एकड़ जमीन है और कितने एकड़ पे आप लोग वेंचर? टोटल 17 एकड़ पे हम वेंचर करें, और ये पट्टेदार हमारे बाजू बैठे हुए हैं, इनका नाम है गोवर्धन रेड्डी साहब, इनके 50 साल से इनका रिकॉर्ड है, इनके दादा उनके बाबा उनका नाम हर चीज़ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आ रहा, वो देख के हम खरीदे। इसका कहीं भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में जगजीवन रेड्डी का नाम कहीं आ रहा क्या बता लो बोलिए? अच्छा कभी जगजीवन रेड्डी आपको फोन कॉल करके कुछ? आज तक ना उससे बात हुई ना उसकी सूरत, फर्स्ट टाइम वीडियो देखा मैं। तो कोर्ट से हमारे साथ आते, हम कोर्ट से डिफेंड करते, और आज तक जब से हम 13 साल से हम कर रहे हैं, कोई कोर्ट में हम हारे सो नहीं है कोई केस। हाँ ये लैंड पे आप केस हार गए सो एग्जाम्पल नहीं है, हर केस हम जीते। क्यों? हम हक पे अगर सही रह के लड़े तो हम जीतेंगे। तो ये मैटर भी कोर्ट में गया था ये जगजीवन रेड्डी का, तो फाइनली 21 तारीख को हमारे फेवर में आया। उसके बाद में फ्रस्ट्रेटेड होके ये वीडियो डाल दिया कि अब तो कुछ पैसे मिलने वाले नहीं है, लिहाजा डिफेम कर दे। मेरा वही सवाल है, जो मीडिया मतलब भाई मीडिया को तो फ्रीडम है, ठीक है, किसका भी साइड जो भी न्यूज़ है वो तो डाल सकते ना। हमारा काम क्या है, हम मीडिया के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते ना, हम हमारी जो सफाई है हम वो देंगे ना। यूट्यूब उनके ऊपर जैसा कि आज हम कंप्लेंट दे दिए, शाम तक FIR कर देते बोल के पुलिस वाले एश्योरेंस दिए हमारे के, वो काम तो हम कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन डालने का जो भी है वो तो हम करेंगे हमारा काम। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे अगर मेरी न्यूज आ रही कुछ ऐसा, तो मैं तो मीडिया को कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी सफाई ही दे सकता हूँ। अगर मेरे ऊपर कुछ इल्जाम लगे तो मैं उसकी सफाई दूंगा ना, ठीक है। तो आप जैसा कि कमाल सिद्दीकी बोल रहे हो, वो बेचारे उनका तो कुछ है ही नहीं इसमें, ना लेना है ना देना है वेंचर से। अब कमाल सिद्दीकी रोज आ रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, जान का धमकी दे रहे हैं बोल के बोल रहे हैं, तो सारे जो गैर गलत बातें हैं। तो आपका मानना ये है ना, अब इतने दिन से ये लोग पैसे ही तो मांग रहे थे, हम लोग बोले पैसे नहीं भाई, अगर आपका हक है
कोर्ट में चल रहा, कोर्ट में अगर आप फेवर में आ गया, हम खुद आपके सामने बोलते हैं कि ठीक है आपको क्या चाहिए, तो कोर्ट से तो हार गए। क्यों? पिछले 50 साल का रिकॉर्ड है हमारे पट्टेदार का है, लैंडलॉर्ड का, उनका कहीं भी रेवेन्यू रिकॉर्ड। MRO को नो एप्लीकेशन दे रहे, आके सर्वे नहीं कर रही बोल के बोल रही। क्यों नहीं कर रही MRO सर्वे? ओके, MRO बोल रही कि भैया हैदराबाद ज्यूरिडिक्शन की लैंड है, हैदराबाद की, तुम जो डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं रंगारेड्डी का ला रहे, और मैं हूँ हैदराबाद की MRO, मैं जाके रंगारेड्डी में कैसा करूँ? इसलिए MRO आके सर्वे नहीं कर रही। तब आजकल क्या हो गया कि पहले देख लो पैसे निकल सकते या नहीं निकल सकते, जब आखिरी सूरत में बदनाम कर दो। सर रहा पैसों का, पैसों की या उनके कोई आदमी है तो वही तो करे ना स्टार्टिंग में। मैं तो खैर मैं ऑफिस से टच में थे हमारे स्टाफ से, मेरे से तो कभी आते उसकी बात भी नहीं हुई। तो ऑफिस से टच में आके जो है ना 5 करोड़ दो, 6 करोड़ दो, ये डिमांड तो चल रहा था। हम बोले कि भाई जब तुम्हारा है टाइटल तो कोर्ट से अपन करेंगे। तो फिर कोर्ट से फाइनली जजमेंट आ गया। जब भी कुछ भी अगर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम डाले उसकी सफाई तो हम देते। बेसिकली इनको एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए, इनको जवाब भी मैं नहीं देना चाहिए, समझे? लेकिन मैं जो देता हूँ जवाब हमारे कस्टमर्स के लिए देता हूँ। और जिधर भी हम जब भी चाहिए कितने भी बेबुनियाद लगा लो इल्ज़ाम, जब भी हम नया वेंचर लाते लॉन्च करते 2 महीने में हमारा बिक जाता, 2 महीने में सोल्ड आउट हो जाता। क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे जो झूठे इल्ज़ाम से हमारे कस्टमर को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब से नहीं 13 साल से हम प्रूफ करते हुए आ रहे। तो ये भी आज जो है वीडियो आज जो रिलीज़ करा है इसके इसका क्लियरेंस देंगे बोल के मैं जो है ना स्टेटमेंट फाइनली हुआ। लेकिन ये जो 4-4 दिन को जो भी ब्लैकमेलर्स आ रहे हम उसको एंटरटेन ना पहले करे थे ना आइंदा करेंगे। अगर फ्यूचर में कोई एफर्ट डालना है तो डाल लो, डाल ले के अपने कुछ जो भी पैसे बर्बाद करना है तो कर लो, पैसे आने का तो नहीं है।